हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भाई यार राम राम, इंछा नवमी की सबके बधाई हो। इंछा नवमी मतलब आंवला नवमी, और सबकी इच्छा पूरी है भैया। हंस हंस के गोल गोल आके तुम्हारा पेट फूलत रहा है बंदे की चूली देख देख के। तो खबर ही मेरा कि भैया जाए कि आज इंछा नवमी के कोरोना काल में सबके रोक हती कि डीजे बारात जुलूस सब कछु नहीं निकाल लें, लेकिन छतरपुर की आस्था को संभाल हतो। सो आज इंछा नवमी पे प्रत्येक रूप में भगवान की शोभा यात्रा निकली। प्राचीन जानरा टोरिया मंदिर से बढ़िया भगवान की शोभा यात्रा गाजे बाजे के संगे भगवान के स्वरूप से बैंड बाजा अरबी घोड़ा सब बिल्कुल अखाड़े वखाड़े लेके रथ था बग्घी पे सवार होकर संत महात्मा को रेला जो निकलो शहर में। बाबा रोड से शुरू हुआ बस स्टैंड, जवाहर रोड हो बस स्टैंड से हो चौक यात्रा मुड़गो मऊ दरवाजे से हो चौक बिहार से बिल्कुल कोतवाली महल रोड डाक खाना हो के जवाहर रोड होकर वापस टोरिया पहुँच के समाप्त हुआ। और ऐसे भंडारों का भी भगवान को आयोजन 2 बजे से भाव, तो भंडारों भी आदि ने खूब छको सोशल डिस्टेंसिंग की पालन के संगे भाव। हमारी खबरी कोमल और शीतल गए तो जने सो कावत का भाई देख ले खबर पूरी। भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से शीतल। आज हमारे छतरपुर जिला में एक शोभा यात्रा निकाली जा रही जो हमारे बाबा जी के द्वारा निकाली जा रही, तो आइए हम बाबा जी से रूबरू कराते हैं। जय बाबा जी, जय श्री राम। ये हजारों वर्ष की प्राचीन परंपरा है और यहाँ छतरपुर में विश्व को एक एकलौतो मंदिर है जो आजान भुज सरकार के नाम से जाना जाता है। जब खर दूषण का भगवान राम ने वध किया था उस समय निश्चर हीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। वो आजान भुज सरकार की प्रतिमा विश्व की एकलौती मूर्ति छतरपुर में विराजमान है, और इनकी स्थापना किसी समय में अक्षय नवमी औला नवमी के दिन हुई थी। इसलिए यहाँ की ये परंपरा है कि औला नवमी के दिन विशाल शोभा यात्रा और विशाल भंडारा मनाया जाता है। ये स्थान निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो उसी उपलक्ष्य में ये छोटे रूप में मनाया जा रहा है। भगवान हनुमान जी भी मास्क लगाए हुए हैं, सभी संत महात्मा भी मास्क लगा करके और ये कानून का पालन करते हुए चल रहे हैं, और सबसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने बुंदेल के भैयन से कि जान है सो जहान है, इसे सभी लोग मास्क लगा के निकलें, सोसंटी के पालन करें और आजान भुज सरकार में प्रसाद ग्रहण लेने जाऊँ आवे। कैसे यानी भोजन नहीं कराने, ही बार केवल प्रसाद वितरण होने और छोटे रूप में शोभा यात्रा निकलती है। इसे आजान भुज सरकार की पीठ की ओर से हम सबन अपने भैयन का आमंत्रित करते हैं कि प्रसाद लेवे के लाने जरूर आवे। आप और आवे बुंदेलखंड से पूरे देश भर में इंछा नवमी को त्यौहार मनाया जाता। कार्तिक महीना में होते जो नवमी पे अष्टमी के बाद, तो नवमी के 2 दिन बाद फिर 1100 सौ देवउठनी 11, तो आलो को महत्व आयुर्वेद तो खूब मानो को यही से ऋषि मुनियन ने हमारे मनीषियन ने जो त्यौहार ऐसे बना दे कि भैया आदमी देख रहे सब चीज़ें बहुत जरूरी है। खास है सेहत के लाने आंवला बहुत गुणकारी होते, और सेहत के लाने आदमी ये मुरब्बत को अचार रखत तो आंवला को मुरब्बा रखत तो अचार रखत तो आंवला खा तो काश जो चीज़ कसैली लगा जवान में ऊ को शरीर के बहुत फायदा हो।
सही इन छनौमी की सब जन को शुभकामनाएं। आज शहर भर की ओरी के नीचे आंवला के पेड़ के नीचे खूब आदमी ने खाओ पियो घर की पूजा करी, सब बढ़िया कार्यक्रम है। सो अब भैया बिदाई जयराम जी की।